हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रियलमी का C11। फ्रेंड, ये रियलमी का C11 है जिसमें पैटर्न लॉक लग गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें पैटर्न लॉक लग गया। इसमें मैंने जो पैटर्न लॉक लगाया था वह मैं भूल गया हूँ, और जब मैं यहाँ पर कोई भी दूसरा पैटर्न ड्रॉ करके इसे अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं खुलता है। तो आज मैं इसका पैटर्न लॉक अनलॉक करके दिखाऊंगा, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। तो ये पावर बटन है, इसे हमने दबा दिए। अब यहाँ पावर ऑफ का ऑप्शन आ गया, स्लाइड करके ऑफ कर दिए। अब हमारा फ़ोन जो है ऑफ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर में वॉल्यूम अप बटन है, उसके नीचे वॉल्यूम डाउन बटन है, और सबसे नीचे पावर बटन है। तो हम लोग क्या करना है, पावर बटन को दबाना है और उसके बाद जाके वॉल्यूम डाउन बटन को दबाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पावर बटन को हम लोग दबा दिए, उसके बाद जाके वॉल्यूम डाउन बटन को दबा दिए। जैसे यहाँ रियलमी लिख के आएगा, पावर बटन छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा तो हम लोग वॉल्यूम डाउन बटन को भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम डाउन बटन को भी छोड़ दिए। अब यहाँ आपके डिस्प्ले पे इस तरह से दिखाने लगेगा। यहाँ पर एंड्रॉयड का आइकॉन दिखा रहा है, या नीचे लिखा हुआ है नो कमांड। तो इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पावर बटन को दबा के रखना है, वॉल्यूम अप बटन को एक बार क्लिक करना है। चलिए शुरू करते हैं। पावर बटन को हम लोग दबा दिए, उसके बाद वॉल्यूम अप बटन को एक बार क्लिक कर दिए। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। तो हम लोग क्या करना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आ जाना है। तो वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आने के लिए हम लोग को वॉल्यूम डाउन बटन दबाना होगा। ठीक है, आ गए हम लोग वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे। अब हम लोग इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए अब पावर बटन दबा देते हैं। तो यहाँ पर लिख के आएगा कैंसिल, नीचे लिख के आएगा फैक्ट्री डाटा रीसेट। तो हम लोग क्या करना है, फैक्ट्री डाटा रीसेट पे आ जाना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन दबा के फैक्ट्री डाटा रीसेट पे आ जाएंगे। आ गए, अब हम लोग इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए अब पावर बटन दबा देते हैं, दबा दिए। अब हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, या तो समय लग रहा है। हमारा फ़ोन जो है वो वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। यहाँ पर अभी लिखा जाएगा वाइप डाटा सक्सेसफुली। थोड़ा सा वेट करेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में लिखा चुका है डाटा वाइप्ड कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है रिबूट सिस्टम नाउ। अब हम लोग को इसी पर रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए पावर बटन दबा देते हैं तो हमारा फ़ोन जो है रिबूट मोड में चला जाएगा। यहाँ पर आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इस फ़ोन को स्टार्ट होने में, तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से और सरल तरीका से कर सकते हैं। जिसके लिए आपको मेरे चैनल पेज पर जाना होगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाए आपको बहुत सारे मॉडल के वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखें और अपने फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व करें। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। फ्रेंड, ये हार्ड रीसेट प्रोसेस है। हार्ड रीसेट कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंस जाते हैं, मतलब FRP लॉक में फंस जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पर जाए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और अपने फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास, मतलब FRP बाईपास भी कर सकते हैं। फ्रेंड, अब हमारा मोबाइल खुलने वाला है। तो देख सकते हैं हमारा मोबाइल खुल चुका है। अब हम लोग यहाँ नीचे स्टार्ट पे टैप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाके अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंस जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको वीडियो लिंक मिलेगा। उस वीडियो को देखें और अपने फ़ोन का FRP लॉक भी बाईपास करें। तो फ्रेंड, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड डे।